दोस्तों आपका केजी एनएनएमोर चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक न्यू प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग वीडियो आ चुका है। तो ये जो है प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है और इसकी अभी जो अनबॉक्सिंग करेंगे और प्रोडक्ट को जो है चेक अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये जो है अमेजोन से बाय किया हुआ प्रोडक्ट है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चेक कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है कंडीशन दिया हुआ है कि टेप नहीं रहना चाहिए। तो अगर ये जो आपको कवर ऊपर से मिला है, ये कवर में आपको जो है कहीं पे भी टेप लगा हुआ है तो आप जो है वो प्रोडक्ट लेने से मना कर दीजिए, आप नहीं लीजिए। देख सकते हैं हर तरफ में जो यहाँ पे काफ़ी जगह जो यहाँ पे बताया गया है कि टेप नहीं रहना चाहिए, अगर टेप है तो आप जो है नहीं मत लीजिए। यहाँ पे जो है कृपया संगठित पैकेट स्वीकार ना करें, यानी कि कोई तरीके का पैक लगा हुआ या कहीं से कट उट वगैरह दिख रहा है आपको, ऐसा लगता है कि इसको जो है रीयूज किया गया है कवर को, तो आप जो है ऐसे जगह में इसको जो है प्रोडक्ट को आप मत लीजिए। और यहाँ पे देखिए सुरक्षा जो है यहाँ पे सुरक्षा नियम भी दिया है, कृपया पैकेज स्वीकार करने से पहले निम्नलिखित जाँच करें। तो यहाँ पे देखते सुरक्षा नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, 6 किनारे पर दिखाई दे रहा हो और विकित्र ना हो, नीले सीलिंग टैप के बीच की रेखा किनारों के अलावा अन्य किसी जगह हरे गुलाबी रंग की ना हो, और यहाँ पे नीली सीलिंग टैप पर वाइड स्टॉप बैग टेम्परेट ना लिखा हो। इस बैग पर किसी और यहाँ पे जो है जरा सा ये जो है यहाँ पे कवर चिपकाने की वजह से यहाँ पे जो है छूट गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भी जो है ये अटेंशन जो है लिखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज ऑफ एनी टैप इन नॉट अलाउ ऑन दी पैक्स। तो यहाँ पे अगर किसी और तरीके का टैप वगैरह लगा हुआ है तो आप जो है इस प्रोडक्ट को रिसीव ना ले नहीं ले, बल्कि आपको जो है डिलीवरी बॉय को कहे कि हमें जो है ये प्रोडक्ट रिसीव नहीं करना, आप इसको ले जाइए। अगर वो पूछे तो बता दीजिए कि इस तरीके का है, इस वजह से हम जो है इसको नहीं लेना चाहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि आज जो है ऑनलाइन में काफ़ी फ्रॉड वगैरह हो रहा है, इसलिए मैंने जो आपको ये बता दिया। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं 1-2 नंबर जो है आपको बताया गया है, यहाँ पे देख सकते 1, 2, 3 नंबर है इस साइड में, देख सकते हैं यहाँ पे 4, 5, 6 और 1, 2, 3 इस तरीके के जो है पैकेज में देखिए हर तरफ में लिखा हुआ है नंबर 4, 5, 6। सिर्फ इस साइड में जो है नहीं है यहाँ पे, लेकिन ब्लू जो कहा गया है कि ब्लू टैप, तो यहाँ पे ब्लू जो है टैप दिया हुआ है और 3 साइड में जो यहाँ पे नंबर 4 साइड में लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ है चेक कर ले आप डिलीवरी जब जिस वक्त आपको डिलीवर किया जाता है उस वक्त ये जो है सारी चीज़ चेक करके तभी प्रोडक्ट ले, अगर महंगा वगैरह प्रोडक्ट है, सस्ता भी हो तो देख कर ही लेना है। तो चलिए हम जो है यहाँ से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट के। तो मैंने जो है यहाँ पे कट कर लिया है, चलिए अब अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। और ये कवर जो है वो बिल्कुल खाली है, तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये बॉक्स जो है कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं दोनों तरफ से भी आप ओपन कर सकते हैं इसको, इधर से भी ओपन का है और इधर से भी ओपन है। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको जो है हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट का जो है स्लिप दिया गया है, तो चलिए इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और ये हमारा जो मेन यूनिट है, देख सकते हैं यहाँ पे रियलमी नाजो 953, तो इसमें भी जो है देख सकते हैं अच्छे तरीके से पैक है। आप चाहे तो डिलीवरी बॉय से जो है यानी कि आप वो कोड एक शेयर किया जाता है, तो शेयर करने से पहले जो आप प्रोडक्ट उनसे चेक करवा सकते हैं, तो वो भी जो आपको प्रोडक्ट चेक करके दे देगा। तो चलिए हम जो इसके ऊपर एक पतला सा लेयर लगा हुआ है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये जो है रिमूव हो चुका है, इस तरफ जो है देखते हैं मोबाइल का नाम ब्रांडिंग है और इधर भी मोबाइल का ब्रांडिंग है। और यहाँ पे जो है कुछ डिटेल्स वगैरह जो है काफ़ी दिए गए हैं मोबाइल का, तो देख सकते हैं यहाँ कहाँ मैनुफैक्चर हुआ है और क्या क्या जो है इसके अंदर दिया गया है वो सारा चीज़ जो है इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इसकी प्राइस वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पे MRP जो है 11,000 रुपये शो कर रहा है। तो चलिए हम जो है इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये ओपन हो जाता है, देख सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से आप जो है एक साइड से इसको ज़रा सा पुश कर दीजिए। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं एक डो नॉट एक्सेप्ट वाला ऑप्शन है, अगर ये खुला हुआ है तो आप मत लीजिए, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने जो है कट कर दिया है और ये जो है कुछ इस तरीके का है। और अब जो है यहाँ पे इस तरीके का शो कर रहा है फेल दी पावर, तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या क्या जो है इसके अंदर दिया गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक जो है इजेक्टर टूल है जो सिम इजेक्टर टूल है, इससे आप जो सिम मेमोरी वगैरह जो है आप अपने मोबाइल में इंजेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक कैश कवर दिया गया है,
देखते हैं यहाँ पे जो है कैश कवर दिया गया है, जिसमें आप अपने मोबाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक यूज़र मैनुअल है, देख सकते हैं यहाँ पे क्विक रियलमी क्विक गाइड है, और यहाँ पर जो है रियलमी सेफ्टी गाइड, तो दोनों जो है इसमें दिया गया है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। और चलिए अब जो हमारा ये मोबाइल है स्मार्टफोन, इसको बाय किया गया है, तो चलिए इसको भी ज़रा देर के साइड में रख देते हैं। यहाँ पे जो है एक चार्जर दिया गया है, चार्जर जो है यहाँ पे देख सकते हैं सुपर वॉक दिया हुआ है, जो कि 33 वाट का है ये चार्जर है। और ये चार्जर जो है मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, शो कर रहा है, तो चलिए हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे जो है पावर केबल दिया गया है, डाटा केबल दिया गया है मोबाइल चार्ज करने के लिए, जो कि टाइप सी है, देख सकते हैं। तो ये जो है चार्जर ये फास्ट चार्जिंग है, 33 वाट का है सुपर वॉक, जो आपके मोबाइल को जो है 1 घंटा के अंदर ही जो है फुल चार्ज कर देगा। और इसमें जो है कुछ भी नहीं है, ये बॉक्स जो है बिल्कुल खाली हो चुका है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए हम जो इसको साइड में रख देते हैं, और यहाँ पे जो हम अपने मोबाइल को बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे। तो इस पर हम जो है मोबाइल को रख देते हैं और कवर से जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो है कुछ इस तरीके का शो कर रहा है, और ये जो है इस तरीके का है, और देख सकते हैं डिज़ाइन कितनी ज़्यादा जो है इसकी डिज़ाइन मस्त है और शो कर रहा है, काफ़ी चमक रहा होगा आपको। और लाइट पे जो है काफ़ी ये लाइट करता है, यहाँ पे जो आप सिम या आपके पास जो मेमोरी वगैरह है वो जो आप इसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं एक स्पीकर दिया हुआ है, यहाँ पे टाइप सी का जो है चार्जर है, और यहाँ पे जो हेडफोन जैक है, और यहाँ पे माइक्रोफोन का जो है यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ये जो है साइड फिंगरप्रिंट है, यहाँ पे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का है, यहाँ पे 2 कैमरा है और 1 लाइट है, और ये कैमरा जो है 50 MP प्लस 2 MP है, और फ्रंट वाला जो है 8 MP का जो है ये कैमरा है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसको ओपन कर, लुक जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मस्त शो कर रहा है, काफ़ी लाइटिंग लाइट पे और ज़्यादा लाइटिंग दे रहा है। तो चलिए हम यहाँ से जो है इसको ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद जो है इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है पावर ऑन का बटन थोड़ी देर दबाए रखा, तो यहाँ पे जो है रियलमी पावर बाय एंड्रॉयड करके ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया है। तो चलिए हम जो है थोड़ा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, इसको ओपन होने देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेलो। अब यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे जो है बताया गया है कि लैंग्वेज, तो इंग्लिश पर ऑलरेडी क्लिक है, तो हम क्लिक कर देते हैं। इंडिया पर जो है ऑलरेडी क्लिक है, तो स्किप कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो है इसकी प्राइवेसी है, लीगल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे जो 2 में टिक नहीं लगा हुआ है, तो पूरे में टिक लगा देना है, ये ऑप्शनल है बीच का, इसमें नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पे वाईफाई शो कर रहा है, आप चाहे तो वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। अगर नेक्स्ट करने के बाद जो यहाँ पे गूगल सर्विस मांग रहा है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड कर दीजिए स्क्रॉल, और यहाँ पे जो एक्सेप्ट का बटन आ जाएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि फिंगरप्रिंट, फेस, पासवर्ड, तो ये सब वगैरह जो अभी आपको मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे स्किप का बटन है, अगर आप जानते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं स्किप कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है स्किप का देख सकते हो ऊपर फिर जो है स्किप आ रहा है, और नीचे जो इंस्टॉल वगैरह करा था हम जो स्किप ही करेंगे, अभी डाउनलोड नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है स्किप, इस स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रियलमी UI, तो यहाँ पे गेट स्टार्ट है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए तो देख सकते हैं ये जो हमारा मोबाइल जो है वो ओपन हो चुका है, और उसके अंदर जो कुछ इस तरीके का जो है फंक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी इसमें ओपन है, तो यहाँ पे देखो गो इट पर क्लिक कर दीजिए, तो देख सकते हैं ये जो है काफ़ी यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद ऊपर से यहाँ पे जो है सेटिंग वगैरह का ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ, प्लस लाइट, ऑटो रोटेट, बैटरी, सर्वर, डो नॉट डिस्टर्ब ऑफ डिवाइस कनेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है, यहाँ पे सिम अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो है सिम डाटा जो अभी नो सिम कार्ड शो कर रहा है। तो और इसकी जो है यानी कि बहुत ही अच्छी मोबाइल है, इसकी जो है देख सकते लुक वगैरह अच्छी है, और आपका मोबाइल का नाम भी शो रखा है, रियलमी नार्जो 953 है। और ये जो है मैंने 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ जो है मैंने बाय किया है। चलिए इसकी सेटिंग में चलते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद भी जो आपको मैं इसका अबाउट चेक करा देता हूँ।
तो मैं जो यहाँ पे सेटिंग में आ चुका हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद जो है स्टोरेज वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं जो है बिल्कुल नीचे चल जाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन है, इस वाले ऑप्शन में चलता हूँ। डिवाइस नाम शो कर रहा है, यहाँ पे वर्जन शो कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी UI वर्जन शो कर रहा है। एंड्रॉयड वर्जन जो है 13 है, काफ़ी अच्छी वर्जन है एंड्रॉयड का। प्रोसेसर जो है ऑक्टाकोर है, और रैम जो है यहाँ पे 4GB। डिवाइस स्टोरेज है जो है यहाँ पे 64GB। लीगल इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी, मॉडल वगैरह यहाँ पे, सिम कार्ड जो है स्टेटस वो यहाँ पे अभी नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी जो है अच्छा यहाँ पे शो कर रहा है, पूरा जो इसमें था वो आ चुका है, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं है। तो जैसा कि मैंने इसमें वीडियो के अंदर जो आपको सारा यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया था, जो भी था यहाँ पे मैंने वो पूरा बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना वगैरह है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जो है उसका रिप्लाई दे दूंगा। और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे 8000 में बाय किया हूँ, और काफ़ी अच्छी मोबाइल है। तो यूज़ करने के बाद जो है और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं वो आपको दूंगा। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मैं जो है रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।